हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हां मुबशर, सो गाइस कमाल का मूवी का कमाल सीन लेकर आए हैं। तो मतलब चुप चुप की मूवी का कुश्ती वाला सीन लेकर आया, तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी मूवी मैं कहता हूँ, बहुत कम होती हैं जो इस लेवल पे मूवीज आती हैं भाई, सच में यार। और गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है आज हमारी, है प्लीज यार, देखो बहुत कम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज लाइक जितना हो सके करें, लाइक करें, कमेंट करें, ये दो काम प्लीज लाजमी करें। बिल्कुल, आप लोगों से प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इसको मान लीजिए। बिल्कुल, तो बिना किसी देरी के भाई देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट ऑन करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। ए अंदर क्या कुछ सोचो, बहुत छोड़ जाके तेरे मुच्छड़ को गुजराती में बोल के गुंडिया भाव आई बात छे बोल। और ये भी बोलते साथ में पांड्या भी है, अब साथ में गुंडा बहरा भी है। और बोल रहा हूँ कि हमारा दिमाग बहुत गर्म हो चुका है और जरूरत पड़ी तो हम कुश्ती लड़ने को भी तैयार है। बोल जाके कुश्ती, हाँ कुश्ती, जा बोल जाके उसको। चलो मुच्छर कोलकाता में रखे, बंगाली और नेपाली की जगह गुजराती को चौकीदार रखता है, कल उठ के यही चोरी करे। पहलवान चो, अरे पहलवान की मारुति वान कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल उसको। तो तुम्हें जाओ अंदर, चलो। डरे भाई, लोन मांगने के लिए सही वक्त पे आए मालिक। धोबी धोबी पछाड़, ए रुको, चलो चलो चलो, मैं वहां नहीं अंदर चलो। आओ अभी, डरे मारुति, क्या लेने आए हो यहां? नमस्ते सर जी, आप वोट लेने आए हूँ। वोट कितना गुजरात है, गुजरात यहाँ ना वोट है ना बाटली है, निकला यहाँ से। ऐसा मत कीजिए सर जी, पेट पे लात मत मारिए, गरीब आदमी हूँ। तो इतना रीरी क्यों कर रहा है, पूछे बोल। उस दिन क्या बोला था जब मैं तेरे पास पैसे लेने आया था सबके सामने? बोलता है मेरी मूछे मुड़वा के गधे पर बिठा के पूरे गाँव में घुमाएगा, जब निकाल मूछ मेरी। आप मुझे याद नहीं? अबे निकाल निकाल, मैं कहता हूँ मूछ निकाल। मैंने ऐसा तो नहीं कहता, याद नहीं है? अच्छा जाने दो, वो तो याद होगा ना जो तूने मेरे आदमियों से कहा था जब वो पैसे मांगने गए थे। तूने कहा था ये गुजरात नहीं है, मेरा इलाका है, मेरा, ज्यादा होशियारी दिखाई तो टांग तोड़ दूंगा, ये तो बोला था ना? बोला था कि नहीं? आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था, और आपने ये भी कहा था कि इनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों खिला देंगे, बोला था ना मालिक? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चुप चुप, नहीं कहा था मुझे, माँ कसम नहीं कहा। तूने जरूर कहा होगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मेरी बुराई किए बिना तेरा खाना हजम ही नहीं होगा। आपकी माता जी की माँ को उंगली दिखाता है? तुझे गुजरातियों की ताकत का अंदाजा नहीं है, अगर तुझ में हिम्मत है तो अखाड़े में आ, दो दो हाथ कर और हम में से किसी एक को हरा, अपनी नाव वापस ले जा। बहुत अच्छा मौका है मालिक, एक आध उठा के पटक देते हैं, नाव वापस लेके चलते हैं। एक आध को पटक देते हैं, क्या खुसर फुसर कर रहे हो, हिम्मत है तो आ। अगर मैं जीत गया तो वोट वापस मिलेगी और मेरा पैसा? ओ उधारी माफ, सबके सामने। चलो 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 चलो, माँ आशीर्वाद दे तेरे बेटे को, पछाड़ करूँ आशीर्वाद दे। जय माँ दुर्गा, मत खलास कर दे। ये गलत है, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। मालिक क्या हुआ? उसने तो चड्डी पहनी है। तो इसमें आपको क्या? लेकिन मैंने नहीं पहनी है ना, कम से कम दूसरे घर तो चड्डी पहन के आना चाहिए था ना। क्या करे, चड्डी भी उसके पास है। वो कैसे? अरे मैंने बोर्ड पे चड्डी सुखाने को रखी थी, बोर्ड गई चड्डी गई। हाँ तो पहले चड्डी मांग लेते बाद में नाव मांगते हैं। नहीं, पहले बोर्ड फिर लंगोट। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया? नहीं नहीं नहीं, पसीना नहीं, लेकिन अगर कुछ और छूट गया तो उसे रोकने के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं है इनके पास। और चौहान साहब, आप ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है, नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो सूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा।
मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम सूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ रहा। ये बराबर बोल रहा है, मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। तो ठीक है, शीतल के साथ लड़। शीतल अभी पता चलेगा। शीतल ये धोखा, ये कैसे कैसे नाम देते हो? आदमी को औरत का नाम देते हो? थोड़ा सा ना इंसाफी, मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। अरे गले से पकड़ उसको। हाँ पकड़ उसको। तीर दे और तीर के एक टुकड़ा फेंक सूरत माँ और एक टुकड़ा फेंक अहमदाबाद माँ। ये गुंगा है, ये गुंगा है, इसको छोड़ो, उसको मारो। मैं भी गुंगा हूँ। छोड़ो, देखो ये मार नहीं थी, ये तो हमारे लिए खेल था। हाँ ये खेल था, मार तो अब पड़ेगी। देखिए हमें मारने से या हमारी नाव पर कब्जा करने से आपके पैसे थोड़ी चुकते हो जाएंगे। तो और मैं क्या करूं? इसी के साथ यार वीडियो का तो राजपाल यादव की तारे देख रहे हैं। बड़ी सख्त पड़ी है यार, बड़ी बार पड़ी है। कहते एक टुकड़ा है सिर पर, एक है बराबर में, और उठा उठा के फेंका। अच्छा मार रहा था शायद कपूर को, ना कहता ये गुंगा एक तो कहता मैं भी गुंगा। कहते कैसे लड़कियों के नाम रखते हो, कहते हो दिखाते हो और कुछ करते हो। और भी सीन चाहिए तो लाजमी उतारे, आप लोग बहुत ज्यादा रखिएगा।